बच्चों, मैं आपको आज एक बहादुर सिपाही की कहानी सुना रही हूँ कि उनका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खान। वो थे तो आर्मी में कैप्टन, लेकिन उनके नाम के साथ कर्नल उनके दादा ने वैसे ही लगा दिया था शौक से। उन दादा को बहुत शौक था आर्मी में तो जाने का, तो उन्होंने अपने पोते का नाम कर्नल शेर खान रखा। तो जब वो कैप्टन बने तो उनके वो इतने बहादुर थे और इतने मिलनसार और हंसमुख थे कि हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कराहट रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए अपनी यूनिट में। जहाँ भी वो रहे वो बहुत मशहूर हुए कि वो अपनी बहादुरी और अपने अच्छे अखलाक की वजह से वो बहुत मशहूर थे। और फिर वो बहुत बहादुर थे और उनके उन्होंने हर महाज पर जो है तो अपनी बहादुरी के जोर दिखाए। और जब वो उन्होंने कारगिल में यानी कि पहाड़ की जो चोटी थी उसको सर किया और वहाँ पर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ना सबको कि अगर हमारी आर्मी ना हो तो हमारे क्या है कि हम पर दुश्मन मुल्क जो है इंडिया या जो भी हमारा दुश्मन है वो क्या करे कि हम पर हमला कर दे और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। और आज हम देखें कि हम आर्मी के ही तुफैल जो है वो हम अपने अपने घरों में, अपने पाकिस्तान हमारा गारा है ना, आप सब बच्चों को पता है ना जिस तरह के हम सब का अपना अपना गारा होता है ना, पाकिस्तान भी हमारा घर है और हम अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से? आर्मी की वजह से, क्योंकि आर्मी हमारी सरहदों पर हमारी मुहाफिज है और वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह कर्नल शेर ने भी हमारी हिफाजत की और वहाँ पे उन्होंने जामे शहादत नोश किया और उन्हें सबसे बड़ा एजाज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ जो है कौन सा एजाज़ मिला? अभी मैंने आपको बताया था कि निशाने हैदर, उनको सबसे बड़ा एजाज़ मिला निशाने हैदर। और वो बहुत बहादुर इंसान थे, वो बहुत बहादुरी से उन्होंने अपनी जान दी वहाँ पे और उनको सबसे बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ मिला। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।